दीदी मुझे को होस्ट बनाइए मैं रीड कर रही हूं ओम शांति आज हम जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं वो इक्कीस बारह अठहत्तर की मुरली का तीसरा पार्ट है और इस मुरली का सार है हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप रेखा और वेला तो इस मुरली के फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा रिकप करते हैं इस मुरली के फर्स्ट पार्ट में बाबा ने हमें बताया कि रूप कौन सा है कैसे बच्चे आते हैं और आते ही बाबा पर पूरा झाटकू हो जाते हैं निश्चय क्या होता है रेखा और वेला समय और रेखा कैसे बनते हैं बाबा के बच्चे उसके ऊपर बाबा ने हमें डिटेल में समझाया तो हर एक ने अपनी चेकिंग की होगी कि हम कैसे आए कब आए और कितने टाइम में बाबा के बन गए और कैसे चल रहे हैं आदि से अब तक फिर हमने दूसरे पार्ट में देखा कि बाबा ने पार्टियों से जो मुलाकात की है तो अलग अलग पार्टियों से मुलाकात की एक पार्टी से बाबा ने कहा कि उपराम स्थिति कैसे बनेगी अपने निज स्वरूप और निज धाम की स्मृति रखने से उपराम स्थिति आसानी से बन सकती है और उस उपराम स्थिति रहने से हम बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे जैसे कि अवतरित हुए हैं हम आत्माएं है। तो हम शक्तियां बाबा ने कहा शक्ति अवतार जैसे कहेंगे तो बाबा ने हमें शक्ति अवतार का टाइटल दिया दूसरे ग्रुप से मुलाकात में बाबा ने कहा कि ट्रस्टी समझने से हमारे पावरफुल स्टेज रहेगी कैसे क्योंकि ट्रस्टी हमेशा हल्का होता है गृहस्थी बोझ वाला रहता है तो हम अगर ट्रस्टी समझेंगे तो हम कोई भी बात में आसानी से फुल स्टॉप लगा सकेंगे और जो फुल स्टॉप जो आसानी से लगा सकते हैं तो फुल स्टॉप की स्टेज बड़ी पावरफुल होती है तो इसलिए हमारी स्टेज पावरफुल हो सकती है तो आज हम देखेंगे कि बाबा ने और दो पार्टियों से बात की है और टीचर से बात की है बाबा ने एक पार्टी से बताया कि अंगत समान स्थिति बनाने के लिए हमें निश्चय का फाउंडेशन पक्का करना पड़े तो निश्चय किसमें रखना है समय पे निश्चय रखना है बाबा आए हैं बाबा पे संपूर्ण निश्चय रखना है स्व पे निश्चय रखना है और कोई भी बात आए बाबा को दे देंगे तो हमारा उसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है और एक पार्टी से बाबा ने कहा कि हिम्मत और उल्लास को एकरस बनाने के लिए हमें एकरस स्थिति बना के रखनी है जब हम एकरस स्थिति बनाएंगे तब हमारे सब विघ्न खत्म हो जाएंगे और हमें हमेशा नया उल्लास नया प्लान्स बनाते रहना है जिससे नई सर्विस और सर्विस में भी वृद्धि होती जाएगी और हमें सबको अनुभव करने, करने का और कराने का भी प्लान बनाने का है और फिर बाद में बाबा ने टीचर्स से कहा कि टीचर्स तो फ्रेंड के समान है तो फ्रेंड के संबंध से हम बाबा के साथ हमेशा तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खेलूं ये हम संबंध रखते हैं बाबा से तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का तीसरा पार्ट तो आज की वाणी की डेट है 21 दिसंबर 1978 और वाणी का टाइटल है हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप रेखा और वेला तो थर्ड पार्टी से बाबा मुलाकात करते हैं अंगत समान स्थिति बनाने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो सभी अंगत के समान अचल हो माया की किसी भी प्रकार की हलचल में भी अचल माया का कोई भी वार स्थिति को हिला न सके हिलने का कारण क्या होता है निश्चय का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण ही हिलते हैं तो अगर निश्चय हो कि कल्याणकारी समय है हर बात में कल्याण है तो कितने भी तूफान क्यों न आए लेकिन हिला नहीं सकते तो अब निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर मजबूत करो तो सदा अंगत के समान रहेंगे माया के वार को वार नहीं समझेंगे अभी हिलने का समय गया बाबा अभी वार्निंग दे रहे हैं हमें और हम सभी हम सभी को पता है कि अभी हम कितने नजदीक पहुंच गए हैं तो अभी हिलने का समय गया यदि अभी भी हिलते रहे तो लास्ट पेपर में भी हिल जाएंगे तो फिर जन्म जन्म के लिए फेल हो जाएंगे इसलिए स्मृति के संस्करण को मजबूत करो सदा याद रखो कि यह अंगत का यादगार हमारा ही यादगार है तो शक्ति आएगी अभी चौथी पार्टी से बातें करें हिम्मत और उल्लास को एक रस बनाने के लिए एक रस स्थिति सदा हिम्मत और उल्लास एक रस रहता है बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जब एक रस स्थिति होगी तो हिम्मत और उल्लास भी सदा एक रस होगा नीचे ऊपर नहीं कभी बहुत कभी कम उसका कारण क्या है सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने स्मृति में नहीं रहता तो बाबा ने हमें ये बताया कि अगर आप सर्व प्राप्ति की लिस्ट या अनुभव सब सामने रखेंगे तो हमेशा स्थिति आपकी एकरस रहेगी आज अल्पकाल की प्राप्ति भी हिम्मत और उल्लास में लाती है तो यह तो सदा काल की और सर्व प्राप्ति तो इसका परिणाम क्या होगा तो बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्ति हुई है उन सब की लिस्ट सामने रखो ये हम आज होमवर्क में भी ले सकते हैं कि जो बाबा के द्वारा हमें अभी तक प्राप्ति जो हुई है उनकी हम लिस्ट बनाएंगे क्योंकि जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए अचल की बजाय कब मन चंचल हो जाता वह स्थिति चंचलता में आ जाती यह चंचलता के संस्कार किसमें होते हैं अब तो विश्व में आप आत्माएं सबसे बुजुर्ग हो अनुभवी हो फिर चंचलता क्यों तो सदा बाप और प्राप्ति को सामने रखने से अचल अर्थात एक रस बन जाएंगे अंडरलाइन करेंगे कि हम सदा बाबा और प्राप्ति को सामने रखने से अचल अर्थात एक रस बन जाएंगे सब विघ्न खत्म हो जाएंगे जन्म से ही विजय का तिलक लगा हुआ है सिर्फ वह मिट न जाए यह अटेंशन रखना है और इसके लिए बाबा ने विधि भी बताई है कि हमेशा अमृत वेले आप बाबा से वरदान लो विजय की स्मृति का तिलक लो बाबा से सदैव नया उमंग नया उल्लास और नया प्लान होना चाहिए कोई ऐसे सर्विस के साधन बनाओ जिससे कम खर्चा और सफलता ज्यादा हो अभी बहुत सेवा की मार्जिन है उसको पूरा करो हर प्रोग्राम में विशेषता व नवीनता जरूर हो सबको अनुभव कराने का प्लान बनाओ अच्छा अब बाबा टीचर से बात करते हैं टीचर से बातचीत टीचर्स तो बाप समान है ना जैसे बाप शिक्षक है वैसे आप भी शिक्षक हो तो समानता हो गई ना तो समान वाले को क्या कहा जाता है फ्रेंड टीचर भी बाप दादा की फ्रेंड्स है यह फ्रेंड्स का संबंध भी याद रहे तो सहज योगी हो जाएंगे फ्रेंड्स का नाता बहुत समीप का नाता है फ्रेंड्स आपस में जितना स्पष्ट होते हैं उतना माँ बाप से भी नहीं होते वो भी हम लौकिक में देखते हैं ना कि हम जितने अपने फ्रेंड से से क्लोज होते हैं उतना पेरेंट्स इतना शेयर नहीं करते हैं हम तो फ्रेंड्स का संबंध याद रहे तो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, यह अभ्यास सहज हो जाएगा तो सभी फ्रेंड्स को मुबारक हो बाबा हम सभी को मुबारक दे रहे हैं जब हम बाबा को फ्रेंड्स के संबंध से याद रखते हैं पंजाब और दिल्ली दोनों की टीचर्स हैं तो दोनों भाई बहन हो गए दिल्ली है भाई और पंजाब है बहन पंजाब भी दिल्ली से निकला ना अच्छा ओम शांति तो हम सभी एक छोटी पार्ट था तो हम सभी एक मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे और फिर अपनी अपनी शेयरिंग करेंगे ओम शांति जी नमिता बहन बोल सकते हैं ओम आज बाबा ने कहा कि सदा बाबा को हम साथ रखेंगे और बाबा से जो प्राप्ति हुआ उसको सदा स्मृति में रखे तो हमारा स्थिति अचल और रहेंगे तो हम सब विघ्नों से विघ्नों को पार कर लेंगे ओम शांति ओम शांति गुड मॉर्निंग तो आज बाबा बोले कि मुझ आत्मा में ये दृढ़ निश्चय रहे कि सब कल्याणकारी है सब अच्छा है और सब अच्छे हैं तो इस स्मृति से कि जैसी भी परिस्थिति हो जैसा भी कोई हो वो मुझे वही बनाने आया है जो बाबा मुझसे चाहते हैं तो ये निश्चय अचल और अटल रहे तो मैं अंगद समान बन सकती हूँ स्मृति में रहे कि मैं ही अंगद हूँ और दूसरा बाबा बोले हिम्मत और उमंग उल्लास से भरपूर सदा बाप को साथ रखने से मैं सदा विजयी ही हूँ बाबा मेरा फ्रेंड है सदा मेरे साथ है ओम जी, बोली, रीमा ओम शांति शांति जी रीमा सिस्टर प्यारे बाप दादा ने हम सभी को हम सभी भी टीचर्स है ना तो क्योंकि बाबा कहते हैं टीचर्स जो है वो बाप समान है तो जैसे बाबा शिक्षक है वैसे आप भी शिक्षक हो तो बाबा कह रहे हैं कि जो समान वाले होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं तो आज जैसे फ्राइडे है तो बाबा कह रहे हैं कि फ्राइडे को फ्रेंड बना लो टीचर को बाबा को फ्रेंड तो एक दोस्त की तरह दोस्त से क्या होता है दोस्त आता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं तो बाबा जब हम भोजन करें दिन में अपना भोजन समय किसके किस साथ खा रहे हैं बाबा के साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं रास्ते में जा रहे हैं तब बाबा के साथ फ्रेंड के साथ तो एक ये दिन भर का जो योग होगा ना तो वो भी साथ साथ बाबा के साथ रहेंगे तो फिर वो योग में हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि हमें प्राप्तियां होंगी खुशी भी रहेगी तो हमारी स्थिति भी अच्छी होगी तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि निरंतर साथी बना लो बाबा को ओम शांति। बहुत सुंदर हम एक एक दिन में अलग अलग संबंध से बाबा को याद रखते हैं तो पूरे दिन वो संबंध लेने से बाबा की याद बनी रहती है बाबा के साथ शेयरिंग करने से बोलिए अशोक भाई जी बोलिए आपने माइक अनम्यूट किया है बोलिए बोलिए आशा दे, दे दे, एंजल आशा दीदी आप बोल सकते हैं शांति आज बाबा ने हमें वार्निंग दिया है कि अभी हिलने का समय गया यदि अभी भी हिलते रहे तो लास्ट पेपर में भी हिल जाएंगे तो फिर जन्म जन्म के लिए फेल हो जाएंगे इसलिए इस नीति के संस्करण मजबूत करो उन्होंने कहा कि हमारा लास्ट पेपर जब भी कब आ सकता है तो हमें हिलना नहीं अंगत अंग समान हमारा जो यात्रा है उसे बनना है और बाबा ने आज प्रिंस के बारे में भी कहा कि हम बाबा का फ्रेंड है और आ, टीचर है और फ्रेन है और बाबा ने शाकाहारी मूल्य में भी हमें टाइटल दिया था आ, मास्टर विश्व शिक्षक है तो पापा ने फ्रेंड्स के लिए कहा कि फ्रेंड्स आपस में जितने स्पष्ट होते हैं उतना मां-बाप से भी नहीं होते और फ्रेंड्स का संबंध है हमें याद रहे तो तुम्हें सिखाओ तुम्हें से बैठो तुम्हें से, से खेल ये अभ्यास पक्का हो जाएगा और हम निरंतर यही बन जाएंगे अब शांति जी ये फ्रेंड्स का संबंध इतना यूनिक है कि सब दिल की बात कर सकते हैं फ्रेंड्स से तो बहुत ही सुंदर है ये फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप बोलिए राधिका सिस्टर आपने माइक अनम्यूट किया है हाँ ओम शांति बाबा ने कहा सदा बाप और प्राप्ति को सामने रखने से अचल अर्थात एकरस बन जाएंगे सब विघ्न खत्म हो जाएंगे ओम शांति गायत्री सिस्टर थैंक यू ओम शांति बाबा ने समान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए हमें कहा है और अचल अडोल बनने को कहा है तो बाबा कहते हैं अचल का मतलब है निश्चय का फाउंडेशन पक्का हो अचल का मतलब है हर बात में कल्याण दिखना चाहिए अचल का मतलब है स्मृति स्वरूप रहना चाहिए और हिम्मत उल्लास को एक रस बनाने के लिए एक रस स्थिति बनानी पड़ेगी एक रस स्थिति का मतलब है मन और बुद्धि सदा एक बाप की तरफ लगी रहे व्यर्थ संकल्पों में या प्रेजेंट या पास्ट में ना जाए तो बाप से प्राप्तियों की लिस्ट बनानी है बाबा ने बोला तो लिस्ट बनाने के लिए बाबा ने सबसे कहा कि अगर तुम फ्रेंड का रिलेशन रखोगे तो लिस्ट बनाने में तुम्हें और भी आसानी हो जाएगी क्योंकि एज अ फ्रेंड तुम सब कुछ बाबा के साथ शेयर कर पाओगे और प्राप्ति का को अचल बनाने के लिए एक विघन समाप्त करने के लिए आपने करना क्या है जो आपको जन्मते ही विजय का तिलक बाबा ने लगाया है उस पर अटेंशन रखनी है और सदा नए प्लान बनाते बनाते उत्साह में रहते रहना है पुराने प्लानों से क्या होगा दो चार मिनट दिनों में मन जो बुद्धि भटक जाएंगे लेकिन रोज एक नया प्लान बनाओ रोज एक नया रिश्ता बनाओ रोज एक नई स्थिति बनाओ रोज की मुरली से कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट निकाल के बाबा से योग लगाओ तो आपका उल्लास और उमंग बढ़ता रहेगा और अंगत के समान निश्चय बुद्धि बन ही जाएंगे। ओम शांति। बहुत बढ़िया तो बाबा ने आज नया उमंग नया उल्लास अपने लिए भी अपने लिए कहा है कि आप बच्चे कुछ ना कुछ प्लान करते रहो अपने को भी नया उमंग उल्लास दिलाएंगे तो उससे हमारे हमारे वृद्धि में भी आगे तीव्रता आएगी और पुरुषार्थ भी आगे बढ़ेगा तो निश्चय के फाउंडेशन को भी बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर आप मजबूत करो तो आपकी स्थिति सदा अंगत के समान रहेगी हिलेगी डुलेगी नहीं और ये मुरली में से बाबा ने पहले भी पार्टियों से जो मुलाकात की है वो भी आप शेयर कर सकते हैं बाबा ने कहा था उपराम स्थिति बनाने के लिए क्या करा, करना है ट्रस्टी समझेंगे तो क्या होगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं पहले से रूपरेखा वेला जो भी बाबा ने कहा था इस मुरली में वो पार्ट भी शेयर कर सकते हैं या तो आपके पास कोई नया प्लान जैसे अभी बहन ने शेयर किया वैसे कोई है प्लान तो सबको शेयर कर सकते हैं सबके साथ बोलिए प्रिंसेस सिस्टर ओम शांति जी की मॉर्निंग सभी को आज जो पॉइंट है जो मुझे दिल को टच हुआ बाबा ने कहा कि अल्पकाल की प्राप्ति से भी हिम्मत और हुल्लास आ जाता है देखा जाए तो आ, जो घर से बाहर आज परिवार है जैसे बच्चा बाहर है तो अपने माता-पिता से मिलने आता है तो माता-पिता में कितनी हिम्मत और हुल्लास आ जाता है तो वो तो अल्पकाल की प्राप्ति है पता है कि इसने वापिस चले जाना है फिर भी उस समय उतना समय रहती है तो तो बाबा कह रहे हैं कि यहां तो हमें सदा काल की प्राप्ति है तो हमें कितना हिम्मत और उल्लास रहना चाहिए तो सदा काल की प्राप्ति की लिस्ट निकाले तो बाबा कहते उसके लिए हमें बाबा ने आज काम दिया तो जैसे कि एग्जाम्पल है कि हमें क्या सबसे ज्यादा हमें प्राप्ति क्या हुई है कि हम श्री बाबा से सच्ची गीता ज्ञान मुरली सुन रहे हैं तो और क्या प्राप्ति गोपी वल्लभ से गोपी का बनकर राज करने की प्राप्ति मीरा की तरह भगवान के प्यार में लीन होने की प्राप्ति सुदामा की तरह खुदा को दोस्त बनाने की प्राप्ति भगवान के साथ खाने की हम भोजन करते हैं उसकी प्राप्ति तो आम, हीरो रोल प्ले करने की बाबा कहते हम हीरो पाठधारियों वो रोल प्ले करने की प्राप्ति पांच स्वरूपों की प्राप्ति श्रेष्ठ चरित्र हमें निर्माण करने की प्राप्ति अशरी स्थिति बनने की प्राप्ति विकर्मों को जीत प्राप्त करने की प्राप्ति अपने शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक संपूर्ण अवस्वास्थ्य की प्राप्ति ऐसे बहुत सारी अच्छा प्राप्तियां अच्छा। हैं मर्जीवा जन्म की प्राप्ति सर्व खजानों से संपन्न होने की प्राप्ति कर्मातीत बनने की प्राप्ति साक्षी बनने की प्राप्ति अठारह था चौरासी में चौरासी जन्मों का ज्ञान की प्राप्ति सम्मानों की प्राप्ति तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट निकल सकती है यो चिंतन चल रहा था मेरा ओम शांति जी ओम शांति हम शांति गुड मॉर्निंग बाबा ने आज कहा है गृहस्थी होंगे तो उतरती कला में जाएंगे ट्रस्टी होंगे तो चढ़ती कला में जाएंगे हम शांति <laughs> जी आपकी आवाज नहीं आ रही ओम शांति किसी को शेयर करना है हम चिंतन कर सकते हैं कि उमंग उल्लास में रहने की नई नई युक्तियां कैसे निकालें कि नई युक्ति नई विधि नया उमंग नया उल्लास कैसे क्रिएट तो इस पर चिंतन कीजिए इस पर कल मैं हाँ, मेरी डिस्कशन हो रही थी को बहन बता रही थी उसको नंबर्स के साथ प्ले करना बहुत अच्छा लगता है जैसे तंबोला गेम किसी ने खेली होगी तो वो अपना एग्जाम्पल बता रही थी आ, अनुभव सुना रही थी कि कैसे उसको एक बहन ले गई वहाँ पर आ, वो नहीं खेलना पसंद करती थी क्योंकि वो ज्ञान में थी लेकिन वो ले गई तो वो जैसे जैसे नंबर बोल रहे थे वो नंबर्स को वो ज्ञान से जोड़ रही थी ज्ञान के साथ कनेक्शन बाबा के साथ कनेक्शन था तो हर बात उसका ही हर बार में उसका ही नंबर बोला जाता था मुझे पूरी तरह वो गेम नहीं याद जैसे भी वो बता रही थी तो उसका नंबर निकलता था तो वो हाथ नहीं खड़ा करती थी क्योंकि वो बाबा के साथ बिजी थी तो कल मैंने ऐसा ही अभ्यास किया तो मैंने भी नंबर के साथ प्ले करना शुरू किया एक से किया दो से किया तीन से किया ऐसे करके कर कर कल से मैं नंबर से प्ले कर रही हूं। तीस तक पहुंच गई हूँ एक आधा नंबर ही मिस हुआ है तकरीबन सब ज्ञान बाबा से जुड़ी हुई हूँ कि ये नंबर्स को आगे बढ़ाना है तो वो इससे बाबा से कनेक्शन भी ऐसा भी नहीं कि हमें आ, कोई मेहनत करनी लेकिन वो एक उमंग आ रहा है कि नंबर्स नंबर्स के साथ इस नंबर से आ, आ, मैं अटक गई हूँ नंबर नंबर पर अटक गई कि इसके में नंबर से बाबा के साथ कैसे जुड़ा जाए तो ऐसे तीस तक मैं पहुंच गई हूँ एक आधा नंबर बीच में मिस हुआ तो इससे काफी मेरा वो उमंग उत्साह रहा और उल्लास और बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये विधि जो मैं कल से ये मैं यूज की है ये विधि ओम शांति जी तो प्रिंसेस सिस्टर आप थोड़ा बताएंगे बीस या पंद्रह या सोलह पे क्या मीन्स क्या करते हो आप बीस तीस तक पहुंच गए क्या है मैं बताती दी दीदी जो मैंने सारे बताऊं कि बीस तक की बताऊं नहीं नहीं थोड़ा एका दो ही बताइए थोड़े हाई बताए ठीक है, है। हाँ, तो जैसे चौदह चौदह से चौदह साल की भट्टी पंद्रह को मैंने कहा गुण और शक्तियां सात गुण और आठ शक्तियाँ सोलह कला सतारा सितारा बाबा बोले हमें सितारा बनना है 20, 20 का लगाना है, 21, 21 है अवगुणों को कमियों को कमजोरियों को, को तेईस का मुझे नहीं याद नहीं लेकिन बहन मुझे बता रही थी बहन बोली ऐसे करो इसको तेरी याद में सात सिरों को सात अवगुणों को खत्म करना है मैंने लिख दिया लेकिन मैंने कहा मैं इसको और अच्छी तरह मैं इसका चिंतन करूंगी जहां मैं अटक गई फिर चौबीस चौबीस अवतार पच्चीस पच्चीस परसेंट बाबा बोल रहे हैं आपको दुख है बाकी पचहत्तर परसेंट आपको सुख है छब्बीस छब्बीस मतलब छवि छवि बनना है छवि छब्बीस छवि के रूप में मैंने किया सताई अः जाना मतलब बाबा की याद में सताई जाना आठवीं आठ आठ ही आठ ही रतन है करनी आगे नहीं मैंने उसके आगे नहीं मैं अभी पहुंची उनतीस तक की मैंने की है आज तक कल कल से मैं लगी हुई रात रात से शुरू किया था अभी यहीं तक ही पहुंची हूँ ओम शांति जी बहुत सुंदर आपका बहुत ही अच्छा उमंग उत्साह रहा इससे तो सभी भाई बहनों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और उनको भी कुछ युक्तियां मिल जाएंगी तो वो भी आपको मदद कर सकते हैं थैंक यू फॉर शेयरिंग हाँ जी प्लीज मुझे एक तेईस ट्वेंटी थर्ड बताना और तीस से बताना तीस के बाद हम कैसे हम जुड़े मैंने सोचा हूँ मैं सौ तक मैं काउंट करूंगी अभी तो उनतीस तक की पहुंची हूँ ओम शांति जी बहुत सुंदर ऐसे ही हम और चिंतन कर सकते हैं और भी शेयर कीजिए अपने अपने अनुभव <coughs> हाँ जी बोलिए तेईस में तेईस में जैसे दो तीन होता है ना तो एक बाबा दूसरा एक मैं एक बाबा तीसरा कोई नहीं तो तेईस हो जाएगा ऐसे ही चिंतन चला हाँ जी बहुत अच्छा थैंक यू दीदी ओम शांति एक से बारह तक हम बताते हैं एक बजे शिव बाबा दो बजे सुख समुद्र ममा बाबा तीन बजे तीन लोग चार बजे चार धाम पांच बजे पांच रूप छह बजे माया को छक्का मार के प्लेग्राउंड से बाहर निकलना सात बजे सात गुण आठ बजे आठ शक्तियां नौ बजे नौ ग्रहों को सकाश दस बजे दसों दिशाओं में सकाश ग्यारह बजे एक बाबा और मैं बारह बजे बारह ज्योतिर्लिंगों को सकाश ओम शांति ये तो शक्ति भाई जी ने दिए हुए हैं सारे जी हम्म और बाबा ने कहा कि अंगद का यादगार हमारा ही यादगार है अगर ये याद रखते हैं तो शक्ति आ जाती है क्या किसी ने अनुभव किया है कि आपने किसी परिस्थिति में इस बात को याद किया है और तुरंत आपके अंदर शक्ति आ गई हो ओम दीदी जी बोलिए मैं मधुबन घूम के आया हूँ बाबा मिलन में गया था ओम शांति दीदी आज का ये नंबर की बाबा से याद करना बहुत अच्छा लगता है मैं भी ट्राई करूंगी ओम शांति जी जी सुना जा रहा है हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा लगा मधुबन घूम के आया हूँ मैं जी शांति जी हम्म तो सर प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने रहे तो भी हम उल्लास में आएंगे बाबा याद रहे तो भी उल्लास में आ जाएंगे प्राप्ति याद रहे तो भी उल्लास में आ जाएंगे जो नया जन्म हमें मिला उसके स्मृति रहे तो भी उल्लास में आ जाएंगे है ना तो उल्लास में रहने की युक्तियां निकालते रहना है अपना हिम्मत और उल्लास सदा एक रस रखना है सदा एक रस और किसी का विशेष अनुभव है इस चीज को लेके तो सुना सकते हैं हुँ? बाबा कहते हैं कि फ्रेंड्स का नाता बहुत समीप का नाता है फ्रेंड्स आपस में जितना ही माँ बाप से नहीं होते हैं फ्रेंड्स का संबंध याद रहे हुँ? तो आज फ्राइडे को फ्रेंड डे बनाए हा? फ्रेंड बना लेते हैं बाबा को गायत्री बहन बोलिए हाँ दीदी मैंने एक मेरा अनुभव है कि एक बार मैं अकेली जा रही थी तो मैं रास्ता भटक गई मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा था किस रास्ते से जाया जाए तो मैं पंद्रह बीस मिनट हो चुके थे बाबा भी पहली बार उस सेंटर में जाना था मुझे मैंने बाबा को अपना फ्रेंड बनाया बाबा अब तू जिस रास्ते से ले जाएगा ना मैं उस रास्ते से जाऊंगी और मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक तो कितने मिनट से भटक चुकी हूँ तो मैंने जैसे बाबा का आह्वान किया और मैंने बाबा का मैंने बाबा तेरी उंगली पकड़ी हुई है। पता नहीं किस टर्न टर्न से मैं मैं हुई हुई सामने देखा बाबा का सेंटर था मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूं, मुझे के रास्ते नहीं पता तो उस दिन किसी ने मुझे रास्ते बताए थे लेकिन मैं मतलब शायद उन्होंने लेफ्ट को बोला मैं राइट को टर्न कर गई और क्या दूर 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 तक पहुंच गई थी लेकिन बाबा को जैसे मैं अपना साथी बनाया तानी किस तरह से वो सेंटर में कुछ सामने दिखाई देगा बहुत सुंदर तो ऐसे ही हम अपने बाबा के साथ को अनुभव करते चले सदा साथी बना के कोई भी बात आती है छोटी बड़ी सब सोकते उसको सोखते चले हम्म करीब रखें अपने तो जब वो हमारे करीब रहेगा ना तो उसकी सर्व शक्तियों का साथ हमें मिलता रहेगा ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप से नहीं कह पाते हैं लेकिन दोस्त से कह लेते हैं क्या प्रश्न पूछा दीदी आपने हम उम्र समझते हैं ना उनको हम तो इसे लगते हैं कि वो मेरी बात को समझ जाएगा माँ बाप का सोचते हैं कि हम जनरेशन गैप है हमने पूछा है कि मित्र से हम सारी बात कह सकते हैं लेकिन माँ बाप से नहीं क्यों माँ बाप से रेस्पेक्ट रहती है और एक दूरी भी रहती है तो माँ बाप से हम चाहते हम हैं वो मेरी रक्षा करे लेकिन फ्रेंड के साथ वो जो दूरी जो है वो खत्म हो जाती है और सब कुछ मन की बातें जो है वो कि वो इक्वल स्टेटस हो जाता है ना फ्रेंड के साथ सो सब शेयर कर सकते हैं तो इसलिए फ्रेंड के साथ वो अच्छा भी लगता है जो बाबा को फ्रेंड बनाते हैं ओम शांति ओम शांति जैसे माँ बाप टेंशन लेते हैं किसी बात बोलोगे तो बाबा माँ बाप कहते माँ बाप को ऐसे टेंशन लगेगी लेकिन जब तो फ्रेंड के साथ ये बातें करेंगे तो मन हल्का हो जाता है बोझ कम हो जाता है इसे बाबा भी बोझ हल्का कर रहे थे ओम शांति ओम शांति आह फ्रेंड्स फ्रेंड्स जैसे बाबा मुनि में बोलते हैं ना हम जिन सोते हैं तो मेरा अनुभव ये है कि आह लेटर में मैं बाबा को फ्रेंड्स के रूप में लिखती हूँ और जब भी प्रॉब्लम आती है तो मैं बाब फ्रेंड्स के रूप में ये ऐसे ऐसे समस्या हुआ है ये ये हुआ ऐसे हुआ मैं ये कर रही हूँ ऐसे देखती हूँ एज अ फ्रेंड तो तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है तो ज्यादातर मुझे फ्रेंड्स के रूप में ही बाबा से बात करना अच्छा लगता है और जहाँ भी जाती हूँ तो बाबा के फ्रेंड के रूप में साथी के रूप में ऐसे ऐसे बातें करके सुना के उसे फ्रेंड के रूप में बाबा से अनुभव करते हैं तो शांति बहुत सुंदर तो क्या बनना है आज की मूल्य के अकॉर्डिंग हम्म ये भी तो है ना माता पिता तो हमेशा पास नहीं है तो मेरे केस में देख लो मैंने तो अपने माता पिता को बहुत समय से नहीं देखा तो फ्रेंड तो फिर भी कहीं भी हम बना सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं जब हम आमने सामने बैठकर बात करते हैं तो और बात होती है लेकिन जब हम फोन पे बात करते हैं तब और बात होती है तो इसलिए हम फ्रेंड्स पे से हम सब बात कर सकते हैं लेकिन माता पिता से हम खुलकर वो बात नहीं कर पाते जब तक हम सामने ना बैठे उनसे उनके उनसे अपनी बात ना करें उनकी बात ना सुने तो दोनों बात दोनों तरफ से अधूरी बात रह जाती है ओम शांति शांति जैसे बाबा ने कहा कि अब नीचे के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषाद का पानी देकर मजबूत करो तो सदा अंगद के समान रहेंगे माया के वार को नहीं तो बाबा ने जो कहा है तो चौबीस घंटे जैसे अंगद चौबीस घंटे जैसे सेवा के साथ रहेंगे ऐसे ही अब चौबीस घंटे ही बाबा के साथ रहना चाहिए तो तीव्र पुरुषाद हम्म अ अ तेजल बहन आप होमवर्क दीजिएगा और योग भी कराइएगा पांच मिनट ओम श्याम जी शिव शक्ति जी मैं आपको बोलना हाँ जी एक दो बताना चाहूँगी कि ऐसे मन में बाबा ने काफी देर पहले जैसे संकल्प दिया कि बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव रोज करना है चार धाम की यात्रा के साथ तो वो यात्रा जैसे चल रही है तो उससे पहले हिम्मत बढ़ाने की बात आई ना आज तो आजकल जैसे यही मन प्रसाद करने में लगाया बाबा के साथ कि अब बाबा की झोंपड़ी में जाना है तो बाबा से आ, का संबंध अनुभव करना है तो साजन से हिम्मत साजन मेरे लिए हिम्मत की चुनरी बना रहे हैं उस पर जैसे सब तरह की शक्तियाँ और गुण लगा कर कोई तो लेसिस के रूप में कोई हीरे मोतियों के रूप में सितारों के रूप में वो मुझे पहना रहे हैं तो यही अनुभव रोज करने से जैसे ऐसे सच में अनुभव होता है कि हिम्मत बढ़ रही है आत्मा में इसे पहले एकाग्रता की चुनरी की जैसे अभ्यास किया था जैसे कि तकरीबन दो महीने तक तो उससे भी अनुभव हुआ था कि एकाग्रता जैसे बढ़ गई है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि साजन से रोज चुनरी सुंदर से बनवा सकता है शुक्रिया सबने पोल का कर दिया ना पोल का सबने किया ना जिए आया ही नहीं दीदी मेन स्क्रीन पे चाहिए सिस्टर मेन स्क्रीन पे ही हूँ मैं दीदी thank you didi ओम शांति तो आज हम होमवर्क में यही लेते हैं कि हम सभी अपने अपने सर्व प्राप्तियों का लिस्ट निकालेंगे जब से बाबा की बने उस दिन से लेकर आज तक हमने क्या क्या प्राप्तियां की बाबा से क्या क्या अनुभव किए जो हमें सदा काल कभी भी याद रह कर हम उसको उमंग उत्साह लाने में यूज कर सकते हैं हमेशा हमें उससे बाब याद आता है कि हमें क्या मिल रहा है कौन मिला है और वो क्या बना रहा है और क्या दिला रहा है तो हम कितने भाग्यवान है हीरो एक्टर है हम इस ड्रामा में तो ये हम प्राप्तियां अपने सामने रखेंगे और पूरा दिन यही सोचकर उमंग उल्लास बनाए रखेंगे तो सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं निज स्वरूप और चलते हैं निज धाम में परम धाम में अनादि स्वरूप मैं चमकती हुई तेजस्वी मणि दिव्य प्रकाश बिखेरती हुई सामने मेरे प्यारे शिव बाबा महाज्योति उनका प्रकाश मुझ में समा रहा है अपने को भरपूर करके मैं उतरती हूं सतयुग में स्वर्णिम दुनिया प्रिंसेस देखें स्वर्णिम दुनिया है चारों और बहुत ही सुंदर पंखे चमकते हुए महल पुष्पक विमान विचरण करते हुए बहुत सुंदर नजारा अपना दिव्य स्वरूप भी देखें कैसा स्वर्णिम दुनिया का स्वरूप है वहां हमने आठ जन्म लिए अब आ जाए त्रिता में थोड़ी कलाएं कम हो गई है पर मुझ आत्मा को जरा भी पता नहीं है मैं तो वही अपना दिव्य स्वरूप लेकर देवताई स्वरूप लेकर अपना भाग्य अनुभव करती हूँ और बारह जन्म प्रेता युग में लेती हूँ फिर विकार कब मुझ में प्रवेश कर गए मेरी पूरी पवित्रता कम करते गए पता ही नहीं पड़ा और एक बड़ा सा अर्थक्वेक आया पूरी स्वर्णिम दुनिया ऊपर नीचे द्वापर की शुरुआत हो गई और मैं आत्मा देह भान में आ गई अपने को विस्मृत कर दिया और शिव पिता को धीरे धीरे याद करने लगी अपने घर में ही मंदिर की शुरुआत की बनाने की और शिवलिंग स्थापित करके पूजा करने लगी धीरे धीरे साल बीतते गए युग बीतता चला और भी अनेक धर्म आने लगे ऐसे इक्कीस जन्म मैंने द्वापर में बिताए आ गया अब कलयुग जिसमें मैं आत्मा बहुत ही तमो गुणी होती चली फिर भी थोड़ा सुख रहा हुआ था लेकिन वो भी धीरे धीरे कम होता गया पवित्रता कम कलाएं कम देवी देवताओं से लेकर पत्थरों की भी पूजा करने लगी पांच तत्वों की भी पूजा करने लगी जिसने जो भी कहा उसकी पूजा करने लगी और तब मुझे मिल गए भगवान अपना बना लिया मुझ आत्मा को बाबा ने ब्राह्मण जन्म दिया और अब बाबा ने हमें संगम पर खड़ा करके फरिश्ता स्वरूप दिया है बच्चे तुम्हें वापस घर जाना है और देवी देवता बनना है अब इस पुरानी दुनिया से उपराम होते चलो अंगत समान बनते चलो अपने को ट्रस्टी बन समझते चलो और अपने को पावरफुल बनाओ तुम हो ही पावरफुल आत्मा मुझे फिर से स्मृति दिलाई कि मैं हुई बाप समान आत्मा और इस स्मृति में ही मैं अपना पूरा दिन अभी व्यतीत करूंगी ओम शांति ओम शांति थैंक यू एवरीवन थैंक यू बाबा एवरीवन हैव अ गुड डे